नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल आईफोन 13 मिनी वर्सेस Xiaomi Mi 11T Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.18 इंच जबकि 11T Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 13 mini में 2.53 इंच जबकि 11T Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 13 mini में 0.3 इंच जबकि 11T Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 13 mini से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 13 mini में 141 ग्राम जबकि 11T Pro 5G में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 13 mini से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone 13 mini में OLED जबकि 11T Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो iPhone 13 mini में 19:5:9 जबकि 11T Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस जबकि 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 13 mini में 1080x2340 और 11T Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 13 mini में 84.6% जबकि 11T Pro 5G में 85.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 13 mini में 476 पिक्सल प्रति इंच जबकि 11T Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 13 mini में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 11T Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 13 mini में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11T Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 13 mini में Apple GPU 4-core graphics जबकि 11T Pro 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 13 mini में Apple Bionic और 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB की RAM मिलती है, जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB, 8 GB, 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB, 512 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 11T Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 13 mini में iOS v15 जबकि 11T Pro 5G में Android v11 देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 13 mini में 2438 mAh जबकि 11T Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 13 mini में 4 कलर्स जबकि
11T Pro 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो आईफोन 13 मिनी में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपीज, 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीज, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,900 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11T Pro 5G की, तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,989 रुपीज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की, तो एप्पल आईफोन 13 मिनी में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी एमआई 11T प्रो 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 11T प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा OnePlus 9R है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।